अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल फिट फाइन और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए, हमारी बहनों का अक्सर मसला ये होता है जब बाजार में जाती है ना लेने के लिए, तो इनको ढेरों ढेर ब्रश मेरी तरह ये देखे, मैंने दराज भरा हुआ ब्रश होता है, हर किस्म का, हर नस्ल का, हर एक कलर का ब्रश मेरे पास मौजूद होगा, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा ब्रश होगा। तो ये सब बहनों का हमारे मसला है कि जब वो लेने के लिए जाती है ना मार्केट में, और उनको इतने ढेरों सारे ब्रश जब उनको नजर आ जाते हैं कि हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें, लेकिन ये कोई ये नहीं पता था कि हमारे कौन सा ब्रश काम का है भी या नहीं। पैसे अच्छी चीज पे इन्वेस्ट करें और उस चीज पे इन्वेस्ट करें जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करने का तरीका आप लोगों को आता है। आज ही मेकअप में बहुत सारे ब्रशेस वैसे यूज होते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल बहनें पार्लर्स में काम करने वाली बहनें उनके पास तो बहुत सारे ब्रशेस होते हैं, पूरी पूरी ब्रश की किट्स होती है उनके पास भी, तो उनका प्रोफेशनल लाइफ ऐसी होती है कि उनके हर एक ब्रश की उनको जरूरत भी होती है। लेकिन हम जब घर में मेकअप करते हैं ना अपना, तो हमारी ऐसे कौन से ब्रश हमारे पास होने चाहिए जिससे हमारा आई मेकअप हो गया, हमारी आईब्रोज हो गई, हमारी कंटोरिंग हो गई, हमारा चिक बोन एरिया जो होता है उसको कवर करने के लिए, हमारी कंटोर करने के लिए, हमारे ब्लश ऑन करने के लिए, ऐसे कौन सी ब्रशेस हैं चार जिससे हम सारे ही काम कर सकते हैं, तो आज इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी मैं। ठीक है, सबसे नंबर वन पर पहला ये है जी फ्लैट ब्रश। आप लोग इससे कि पहली वीडियो जो आईब्रो की मेकिंग मैंने आप लोगों को बताई, नहीं देखी वीडियो तो देख लें भाई, ये लिंक आ रहा है ना ऊपर, इसमें जाकर देख लें। अगर नहीं भी समझ आता तो मेरे चैनल की जो पुरानी वीडियो देखेंगे, तो मेरे चैनल में नहीं देखी ना वीडियो, तो वीडियो जाकर लास्ट में देखें। इसमें छोटी छोटी वीडियोस मैंने इसलिए मैं डाल रही हूँ क्लिप कर फटाफट जो है ना आप लोग तक जल्दी जल्दी देख लें, यानी कि लंबी लंबी वीडियो नहीं बना रही, लंबी लंबी वीडियो बनाऊंगी अभी नहीं, लेकिन रमजान से पहले पहले बनाऊंगी, जो बहुत सारे रेमेडीज की होगी वो आप लोगों को देखनी भी पड़ेंगी। ठीक है जी, सबसे नंबर वन जो है हमारे पास फ्लैट ब्रश है, ये हमारे आई लिड एरिया को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, आउटर कॉर्नर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और हमारे कलर को ये देखें इस तरीके से हमने यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ लूँ प्रोफेशनल तरीके से, इस तरीके से जब हम आपकी आई लिड एरिया पर जब मेकअप लगा रहे होते कलर लगा रहे हैं तो उसको ये फैलाता भी है और उसको ब्लेंड भी करता है। ठीक है, कि आप लोगों को समझ आ गई, ये आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, ये वाला ब्रश आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रश है। सेकंड नंबर पे जी आ जाता है ये वाला, तो एंजल ब्रश। एंजल ब्रश आप लोगों का नहीं भी नाम बताया तो ये थोड़ा सा कटिंग में आता है, यानी कि थोड़ी सी इसकी जो नोक होती है ना थोड़ी सी टेढ़ी सी होती है, यानी कि जैसे पहाड़ की हम जब शेप बनाते हैं ना थोड़ी सी कटिंग में होती है, तो इस तरीके से यही ब्रश होता है ये वाला, और ये आपकी आईब्रो मेकिंग में यूज़ होगा, आपकी जो हम लगाते हैं ना लाइनर उसको विंग्स बनाने में यूज़ होगा। ठीक है, इसको विंग्स बनाने का तरीका भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। उसमें इस तरीके से हमने आउटर कॉर्नर अपना क्रिएट करना है और उसके बाद यही वाले ब्रश को हमने खींच के ले आएंगे, तो हमारा आईलाइनर को भी हम इसमें ही लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है ब्लेंडिंग ब्रश, गोल मटोल सा पेंसिल की टाइप का ब्रश होता है ये, और आपने ब्रश जो है ना अच्छे वाले लेने हैं, आपने ब्रश की पहचान भी आप लोगों को मैं भी बताती हूँ क्या किस तरीके से आपने ब्रश की पहचान करनी है अपनी। ठीक है, ये जो है ना आपकी आपकी आई मेकअप को ब्लेंड करने में बहुत अच्छा होता है, आईलिड एरिया पे पूरा मेकअप फैल जाएगा अच्छे तरीके से, और ये कंटूर अच्छा जी। इसके बाद ये एक ये तरीका हो गया, उसके बाद आपकी चिक आपकी जो फेस कंटूर होती है यानी चिक बोन जो होती है ना आपको उसको पतला दिखाना है आपकी नोज़ कंटूरिंग करने के लिए, ये हिस्सा देखें ये कंटूर करने के लिए आपको यही ब्रश आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्स वाई जेड कोई भी चौथा पाँचवा छठा ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसकी भी समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद एक गोलू मटोलू सा ब्रश जो सब दुकानों पे नुमाया हो रहा था और अलग से ही दिखाई देता है। हाँ जी, ये वाला जो ब्रश है ना ये वाला आप लोग करेंगे अपने ब्लश ऑन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्लश ऑन को अपने फेस पे फैलाने के लिए, कलर के कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी पिंच बहनों के लिए ये मसला होता है कि उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हमने आसानी से हल्के हाथ से स्लोली स्लोली दबा दबा के नहीं करना कि नीचे की जो बेस लगी वो भी उतर जाए आप लोगों की। ये चार ब्रश ऐसे ब्रश हैं जो हर एक बहन के पास हमारी होने चाहिए, और इसका तरीकाकार भी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो होगी ना इसका तरीका स्टेप बाई स्टेप मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ मेकअप के हिसाब से, कि ताकि जो हमारी कुछ नई बहनें जो ज्वाइन हुई है ना, बिगनर्स जो हमारी जो मेकअप सीख रही हैं और मेकअप के बारे में पूछती रहती हैं, तो उनको भी तरीकाकार आता जाए सिखाने का। क्रायला उनकी बेस के बारे में बहुत सारी वीडियोस हो गई, लेकिन मजीद और भी बनाऊंगी। आप लोग जिस शेड का बेस कहेंगे लगाने के लिए, जिस शेड की फरमाइश करेंगे, उस शेड के हिसाब से ही मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह आप लोगों के पास भेजूंगी, बना के दूंगी, वाला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये चार ब्रश ऐसे हैं जो आप लोगों के पास होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। अच्छा,
अच्छा जी, सेकंड जो सवाल था हमारी बहनों का, ये सवाल था कि हमें जो ब्रशों की जो ना पहचान किस तरीके से करनी है, हमने ब्रश की ओरिजिनल है या फेक ब्रश है। अच्छा, इसकी मैं पहचान आप लोगों को बताती चलती हूँ कि कुछ जो है ना, मेरे पास 2 नंबर ब्रशेज भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, और कहाँ ये अल्लाह भला करे आपका ये। अच्छा, एक तो ब्रश ही है ये, देखें इसमें इसकी पहचान ये कि जो ब्रश आप लोगों को बहुत ज़्यादा शाइन दे रहा, और शाइन यानी कि बहुत ज़्यादा चमक रहा हो, चमकने वाली ब्रश आपने नहीं लेने हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक की, इसकी जो धागे वगैरह यानी कि आगे जो ब्रश कटिंग होती है ना, वो होती है प्लास्टिक की। प्लास्टिक में आपको ये बताया कि प्लास्टिक में जब भी हम पाउडर फॉर्म लगाएंगे ना, पाउडर फॉर्म लगाते ही वो उड़ जाएगा, यानी कि आपके ब्रश पे नहीं टिकेगा। आपकी जो असल जो ब्रश की पहचान आपकी ये होगी कि वो बिल्कुल भी ना वो यानी कि प्लास्टिक फॉर्म में नहीं होगा, और आप लोग जब हाथ लगाएंगे इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा नरम होगा ये, और देखने में चमक नहीं होगी इसमें। ये देखिए, इसमें जरे से भी चमक नहीं है, इसके अलावा इसमें भी चमक बिल्कुल भी चमक नहीं है, फ्लैट है। और कहीं से भी देखें, प्लास्टिक वाले में होता है कि आप जब इस तरीके से करेंगे ना, तो उसके दांत यानी कि उसके जो धागे होते हैं, ये इसके जो बाल होते हैं ना, निकलना फ़ौरन फ़ौरन निकलना शुरू हो जाएंगे। ओरिजिनल में ये चीज़ नहीं होती है। ये 2 आइडियाज़ ऐसे हैं कि बड़े काम के हैं, और आप लोग इस पे अमल करते हुए अपने ब्रशेस का इंतखाब कीजिएगा। अच्छी क्वालिटी के ब्रश ले लें, 2 से 4 से 3 से 4 से ब्रश आते हैं ले लें। अगर आपने मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो 1 पेटी लेके रख लें आप लोग, लेकिन अच्छी वाली ले लीजिएगा, ताकि आपके पैसे जो है ना अच्छी जगह पे। वैसे तो बहुत सारे ब्रशेस हैं, जैसे अब ये आईब्रो सॉरी ये पलकों का कलर करने का ब्रश है, इसके बाद हाइलाइटर का ब्रश है, लेकिन ये जो है ना अभी इतना थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे आपको, ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाए, आप ये ना बोले कि भाई हमारे इतने पैसे लगवा दिए इन्होंने, तो मैंने ये काम आप लोगों के साथ नहीं करना, मैंने कम खर्चे वाला ही काम आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। और उम्मीद करूँगी आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे उन दोस्तों में, उन बहनों में जो आपकी बहनें मेकअप सीख रही हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा शौक है, या आपकी वो बच्चियाँ जो छोटी छोटी सी हैं और बड़ा शौक रखती है मेकअप का, तो सिखाने देखें, सीखने की और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती इंसान की, तो जब जिस उम्र में जो शौक हो इंसान को सीख लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से ही शौक होते हैं, और इंसान उम्र के हिसाब से ही सीखता है। ये ना आप कहें कि हमारी बेटी जब बड़ी होगी ना, 20 साल 25 साल की होगी, तब उसको मेकअप सिखाएंगे। अगर आपकी बच्ची 15 16 साल की है, 14 साल की है, अगर उसको मेकअप सीखने का शौक है, तो छोटी छोटी वीडियोज़ के जरिए, छोटी छोटी हैक्स के जरिए आप उसको मेकअप सिखा सकते हैं, ताकि वो अपना मेकअप खुद घर पर कर सके, अच्छा सा प्यारा सा एक लुक जो है ना क्रिएट कर सके। तो उम्मीद करूँगी आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, आगे शेयर भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, मेरा एक जो है ना वो यूट्यूब की फैमिली में एक बंदे का इजाफा हो गया। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।